कॉलेज बताया था कि कल एक मीटिंग है किस परीक्षा को लेकर, तो वो वहाँ व्यस्त रहेंगे, उनसे मुलाकात किसी लिहाज में संभव नहीं है। तो मैडम ने अपने ऊपर रिस्पॉन्स पर लेकर उनसे बात करी थी, तो उन्होंने मैडम ने ये कहा है फोन पर कि आप सब लोगों के प्रत्यावेदन ले लीजिए, यानी जो कल तक बात हो रही थी कि किसी प्रकार का कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, वो आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो आप अपना प्रत्यावेदन हमें दे दीजिए। तो जो हम लोगों ने कलेक्ट किया है वो हम लोग अंदर रिसीव कराएंगे, और मैडम के संज्ञान से ये बात है कि इतने प्रशिक्षु परेशान हैं, तो हम लोगों की जो मुलाकात है वो मैडम से गुरुवार को होगी, मंगलवार बुधवार दो दिन अभी नहीं, गुरुवार को मैडम से मुलाकात होगी, विषय पर वार्ता होगी, और जो भी पॉजिटिव चीजें होंगी उम्मीद है ये सारे मामलों का निस्तारण होगा। जिस तरह से मैसेज मिला है अंदर से वो एकदम 110% ऐसा लग रहा है कि मैं भी इंटरेस्टेड है कि ये किसी कारण का रुका है, रीस्कैनिंग करा करके कोशिश करेंगे जहां तक पॉसिबल होगा, क्योंकि वही बात आ रही है कि रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर में से अगर कोई में से एक सही है तो उसको अवेलेबल है, आपके जो रिजल्ट में शो कर रहा है वो आप देखिए साइड में रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर दिख रहा है। तो मैम ने कहा कि जो मेरे स्तर की बात हुआ है मैं उतना कर रही हूँ, मैं आपके प्रत्यावेदन स्वीकार कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू मैम ने कहा है कि उनके प्रत्यावेदन उनकी समस्याएं ले लीजिए, मैं आती हूँ उपस्थित रहूंगी, तो मैं स्वयं पूरे मामले को देखकर निर्धारण करने की कोशिश करूँगा। आज हम लोगों को यही करना है कि यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से अपने जो भी प्रत्यावेदन जिस भी साथी ने नहीं दिया एप्लीकेशन सही दे, ठीक है, वहाँ पर जमा